नेविगेशन बार बनाने के लिए सबसे आप पहले आपने वही HTML का उसके बाद सबसे पहले आपने लिस्ट ऑफ लिंक्स लगाने हैं। ठीक है, एक मिनट। मैं यहाँ पे एक डिव लगा देती हूँ, इसको आईडी असाइन कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डिव, एक लगाए, डिव क्लोज कर दे। इसके अंदर हम बनाते हैं लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हमने लिस्ट आइटम ऐड किया, इसके अंदर हमने लिंक लगाया, इसके अंदर हमने लिखा होम, एक क्लोज करती है। लिस्ट के अंदर क्या लगाया है, लिंक। इसी तरह से हम 2, 3, 4, 5 बना लेते हैं। न्यूज, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, गैलरी। ठीक हो गया, ये डिस्प्ले कैसा आ रहा है ये भी साथ साथ देखते रहते हैं। ये ऐसा डिस्प्ले आ रहा है, ऐसे ही होना चाहिए था ना। अनऑर्डर लिस्ट लगाई है और डिफॉल्ट में उसके जो है वो बुलेट्स लगे हुए हैं, और अंदर हमने आइटम्स में क्या लगाया हुआ है, लिंक्स। और वो लिंक्स बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि ब्लू कलर के अंडरलाइन होते हैं। अब सबसे पहले हमने ये जो इसके डिफॉल्ट मार्कर्स हैं ना, ये ख़त्म करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CSS यूज करेंगे। स्टाइल, नीचे अब सबसे पहले हमारे पास आईडी डेव, डेव के अंदर यूएल है, ये मार्कर्स इस यूएल के हैं। ठीक है, तो खत्म करना है उसको। सबसे पहले हम डेव को पिक करेंगे, डेव चूंकि आईडी है, आईडी का नाम है कॉन्टेन। आईडी को पिक करने के लिए हमने हैश लगाया। इस डिव के अंदर एक यूएल है, ठीक। ये बुलेट्स खत्म करने हैं तो क्या प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, बुलेट्स खत्म हो जाने चाहिए। सेव कर लो। एक मिनट, नाम चेक कर लें, कंटेंट। मेरे ख्याल से टाइप नहीं आएगा, सिर्फ लिस्ट स्टाइल आएगा। टाइप भी आएगा, ये आईडी के साथ ना स्पेस थी। यस मैम, स्पेस थी, स्पेस थी। ठीक है, अच्छा अच्छा, होनी चाहिए। ये देखिए, यस मैम, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ये खत्म हो गए। उसके बाद ये जो एक ये है ना, इनके नीचे अंडरलाइन जो है वो ख़त्म करनी है। उसके लिए क्या करेंगे, हैश कॉन्टेन आईडी, उसके अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआईस और एलआईस के अंदर ए। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस बता दिए। हैश कॉन्टेन डिव, डिव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर जो ए है, उनके नीचे जो अंडरलाइन है वो रिमूव करनी है। अंडरलाइन रिमूव करने के लिए क्या पढ़ा था हमने, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। सेव किया इसको, ये अंडरलाइन रिमूव, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो एलआईज हैं, ये सारी एलआईज हैं, इनको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं।
हैश कंटेन यूएल, यूएल के अंदर है एलआई, एलआई को क्या देना है हमने, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देती हूँ ब्लू। वो टेक्स्ट का कलर भी ब्लू है, बैकग्राउंड भी ब्लू दे दिया, वो टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। ये ए का कलर है ना, तो वो चेंज कर लिया कलर वाइट। ये ठीक हो गया। उसके बाद ये बहुत बड़ी जगह ले रहा है, ठीक है, तो इसको हम जगह कम कर देते हैं एलआईज की। उसके लिए हमने क्या करना है, इनकी वेट कम कर दें। ये देखिए वेट कम हो गई उसकी। हाइट बढ़ाना चाहते हैं, हाइट कम ज्यादा करनी है। एलआईज की कर रही हूँ, पूरी लिस्ट की नहीं कर रही, हर लिस्ट आइटम की हाइट 50 हर लिस्ट। उसके बाद ये टेक्स्ट कॉर्नर्स पे आ रहा है ना, टेक्स्ट को सेंटर में कर देते हैं, लिस्ट के सेंटर में, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसको बॉर्डर असाइन कर देते हैं, बॉर्डर 1 pixel solid white, ये border आ गया। उसके बाद ये home बहुत ऊपर मुझे लग रहा है, ठीक है, तो मैं इसे ना padding top देती हूँ कि ये top से नीचे आ जाए। padding top थी मैंने 10 pixel, थोड़ा दरमियान में हो जाए ना ऊपर से, ये हुआ तो। लेकिन साथ आपको देखें कि जो इसकी हाइट थी ना वो भी इंक्रीज कर गई है, ये नोट कीजिएगा आप। मैं दोबारा इसको 10 से 15 देती हूँ, आप देखिएगा कि उनकी हाइट भी इंक्रीज कर रही है साथ, देख रहे हैं, हाइट भी इंक्रीज कर जाती है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए कि जब हम पैडिंग दें तो पैडिंग उसी हाइट के अंदर एडजस्ट हो जो हमने दी हुई है, हो क्या रहा है अभी कि हाइट 50 है ना और पैडिंग 15 है, तो हाइट अब 50 प्लस 15 होगी, 65 हाइट होगी इस टाइम पे, हाइट भी इंक्रीज हो जाती है उतने जितनी पैडिंग होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जब हमारा पूरा पेज डिज़ाइन होता है ना, तो जब हम किसी भी चीज़ को पैडिंग देते हैं तो अपनी हाइट या विड्थ चेंज करती है, तो उससे पेज का लेआउट डिस्टर्ब हो जाता है। हमने ये हम चाहते हैं कि हेडिंग या जो हाइट विड्थ है ना ये फिक्स हो, और मार्जिन पैडिंग इसी हाइट विड्थ के अंदर से एडजस्ट हो, एक्स्ट्रा नहीं हो। उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, ये मैं ऊपर लगा रही हूँ, वो है स्टार का मतलब होता है ऑल टैग्स, जितने टैग्स लगे हुए ना इस वक्त पूरे पेज पे उन सब पे अप्लाई हो, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग और वैल्यू है बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स। ये क्या करता है, अब देखिएगा इसकी ये जो एक्स्ट्रा इसने पैडिंग की वजह से एक्स्ट्रा हाइट कंज्यूम की थी ना वो वापस कर दी है। अब ये अपनी जो हाइट वेट इसे दी हुई है ना उसी के अंदर से एडजस्टमेंट लेगा, सेपरेट नहीं लेगा, सेपरेट हाइट और वेट कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आप देखेंगे पेज जो डिजाइन हुए होते हैं सबसे स्टार्ट पर यह प्रॉपर्टी लगी हुई होती है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि जब हम एल आईज के ऊपर हॉवर करें, हैश कंटेन यूएल, जब यूएल के ऊपर माउस हॉवर किया जाए तो क्या हो, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ये देख बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब ये है वर्टिकल, हाँ हम यूएल की हाइट 100% कर देंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। और हमने चाहते हैं कि ये जो स्क्रीन से इसका फासला है ना ये भी खत्म हो जाए, जो बाय डिफॉल्ट फासला आ रहा है वो खत्म हो जाए। उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे
जहाँ पे हमने इसके बुलेट खत्म किए थे वहां पे हम इसका मार्जिन भी जीरो कर देंगे और इसकी पैडिंग भी जीरो, कि जो डिफॉल्ट में इसको मार्जिन पैडिंग असाइन हुई है ना वो इससे वापस ले लो। ये देखिए यहाँ पे आए ऑटोमेटिकली जो इसका फासला था वो खत्म हो गया डिफॉल्ट फासला। ठीक, आप चाहे अब यूएल को की हाइट करते हैं 100%। अच्छा, उसकी हाइट नीचे भी फिक्स की हुई है, अब नीचे भी दी हुई है ऊपर भी दी हुई है। ठीक है, वो नीचे मैंने वर्टिकल के लिए दी हुई, हॉरिजॉन्टल के लिए दी हुई है, एक दफा हॉरिजॉन्टल कंप्लीट कर लेते हैं। फिर नीचे भी हाइट दी हुई है ना एल आईज को, ऊपर भी उसे हाइट दे रहे हैं, या नीचे देंगे या ऊपर देंगे एक ही जगह पे। पहले देख लेते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल कैसे बनाना है आपने। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए हमने कल दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक फ्लोट और एक डिस्प्ले। सबसे पहले फ्लोट लगा के दिखाते हैं, और फ्लोट किसको करना है, लिस्ट आइटम्स को, क्योंकि वर्टिकल क्या डिस्प्ले हो रहे हैं, लिस्ट आइटम्स ही। डिव के अंदर यूएल यूएल के जो लिस्ट आइटम है इनको फ्लोट कर दो लेफ्ट। ये फ्लोट कर गए, ठीक है ये। और अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले इन लाइन लिखती, जो कल एक प्रॉपर्टी हम पड़ी, मैंने कहा था ये देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है इन लाइन। अब क्या होता, डिस्प्ले इन लाइन है एक लाइन में, लेकिन एक्स्ट्रा विड्थ और एक्स्ट्रा हाइट वापस ले लिया उसे, वो वापस ले लिए। लाइन उतनी है जितनी एक ब्राउजर की लाइन होती। अगर हम चाहते हैं एक्स्ट्रा विड्थ और हाइट वापस ले ली जाए, उसके लिए यूज करेंगे इनलाइन ब्लॉक, कि लाइन में भी हो लेकिन हर एलिमेंट जो अपनी हाइट और विड्थ है वो भी वापस ना करे, ये वापस आए। तो डिस्प्ले फ्लोट और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक तकरीबन एक जैसा इफेक्ट देते हैं। जब हमने फ्लोट लिखा था फ्लोट लेफ्ट, तब भी अगर हम लिखते हैं फ्लोट राइट तब क्या होगा, राइट अब देखिए, अब इस तरफ से फ्लोट हो रहा है। ठीक है, फर्क ये जिस साइड को आप मेन्यू बार लगाना चाहते हैं, फ्लोट लेफ्ट लिखेंगे तो लेफ्ट साइड, ये ठीक है। अच्छा, अभी पेज का कलर भी वाइट था और बॉर्डर भी, तो ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे डिवाइडर है, डिवाइडर है ये, बॉर्डर ही। अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगी ना कलर, तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ये था डिवाइडर ही। मैंने थोड़ी सी ट्रिक खेल के कलर ऐसा रख लिया कि वो एज अ डिवाइडर यूज हो रहा है। बॉर्डर किधर सेट किया था मैंने, ये मैं यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ, ब्लैक। देख रहे हैं आप, ये साइडों पे भी बॉर्डर आ गया, ये भी आ गया और साइडों पे भी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, 3 पिक्सल, ये देख रहे हैं साइडों पे भी है। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बॉर्डर इधर आता ये, तो फिर आप बॉर्डर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सुन रहे हैं मेरी आवाज कोई, बॉर्डर राइट ना, कोई है भी सही बच्चा, हैं तो सारे, बॉर्डर राइट। उससे क्या होगा, फिर राइट साइड कोई बॉर्डर आएगा ना, देख रहे हैं बाकी साइड्स पे फिर नहीं आया। ठीक है, फिर भी ये डिवाइडर बन गया आपका डिवाइडर, लेकिन ये लास्ट पे आ रहा है। इस लास्ट वाले को, बॉर्डर को अगर हमने खत्म करना है तो कैसे खत्म करेंगे, है किसी के पास कोई तरीका ये लास्ट वाला खत्म करने का, आप सोच के बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम, अब ये देखिएगा, ये वही स्टेप्स लिखे हुए नेविगेशन बार बनाने के। सबसे पहला स्टेप क्या था, मेक अ लिस्ट ऑफ लिंक्स, ये हमने ऐसे ही बनाई थी। दूसरा स्टेप क्या है, इसके डिफॉल्ट सेटिंग्स खत्म करें, बुलेट्स मार्जिन पैडिंग वो खत्म करें।
तीसरा स्टेप क्या है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल बन रही है तो डिस्प्ले इन लाइन नहीं रखा, बल्कि डिस्प्ले क्या रखा हुआ है, ब्लॉक या फ्लोट नहीं रखा, विड्थ और बैकग्राउंड कलर दिया है, पैडिंग दी है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन दी है, और हॉवर करने पे बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, और फिर ये डिवाइडर बॉर्डर लगाया है, ठीक है, ये सारी यूएल को लगाया है, फिर एल आई लास्ट चाइल्ड, ये देखिए ये आखिरी चाइल्ड का बॉर्डर खत्म करने के लिए, ये चूंकि वर्टिकल बन रही है ना, वर्टिकल, तो वर्टिकल में यहाँ इसने बॉटम को लगाया है, यहाँ बॉटम को मतलब ऑल साइड पे ना आया बॉटम को, तो आखिरी बॉटम को भी आ रहा था, तो उसने एल आई डॉट लास्ट चाइल्ड आखिरी बॉटम को खत्म किया है। यहाँ पे हमारे पास जब हमने हॉरिजेंटल बनाई है तो ये ऐसे आ रही है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लास्ट चाइल्ड को खत्म कर देना है, ठीक। उसके बाद अगर आपने फुल हाइट देनी है, ठीक है, तो उसके लिए हाइट 100%, ठीक है, एल आई इसको नहीं देंगे फिर, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे आप 100%, वो आप किस तरह से फुल एरिया कवर कर लेगी, फुल जैसे यहाँ पे बनी होगी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेन्यू बार, ये देखें, ये वर्टिकल मेन्यू बार, इसमें देखेंगे तो सारा स्लाइड्स वाला कोड ही होगा। मैम अभी जो आपने पेज ओपन किया था उसमें वो कंटेंट तो इतना ज्यादा था को नहीं, फिर वो स्क्रॉलिंग का ऑप्शन क्यों दे रहा था साइड पे? जी मेन्यू बार बनाई थी ना, मेन्यू बार जो है ना उसकी हाइट फुल है, साइड्स पे तो कंटेंट नहीं थे जी, यही ना ये जो साइड पे आ रही है, हाँ ये स्क्रॉल बार, अब नीचे तो अलग टेक्स्ट ये भी इसको इसको हाइट फुल दी है ना असल में, अच्छा अच्छा ठीक है, इसकी हाइट की वजह से ये स्क्रॉलिंग आ रही। और पोजीशन आपने इसकी कर देनी है फिक्स्ड, उससे क्या होगा, उससे आपके पेज में अगर ये हमारी वाली किधर गई है, उससे हमारे पेज में अगर स्क्रोलिंग होगी तो फिर भी ये अपनी जगह जो है वो स्किप नहीं करेगी, अभी स्क्रोलिंग नहीं है ना, स्क्रोलिंग आएगी तो ये अपनी जगह फिक्स हो जाएगी, और वैसे भी नेविगेशन बार को फिक्स होना चाहिए ना, उसको तो अपनी जगह यहाँ से नहीं चेंज करनी चाहिए, इसको फिर हम टॉप से जोड़ देते हैं, फिक्स में ना पोजीशन फिक्स करके ना, और टॉप जीरो, ये जो बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस है ये खत्म हो जाता है, ये टॉप से लग जाती है, और फिर हम जो इसमें से स्क्रॉलिंग भी आ जाए तो इसको जो है वो नहीं करते, मतलब कंटेंट जो है वो ये साथ ही लगी रहती है, फिक्स हो जाती है। एक प्रॉपर्टी ओवरफ्लो ऑटो की भी है, If enable scrolling if the side nav has a too much content, ये क्या करती है कि अगर आपके इस तरफ भी content है ना, तो जैसे ये देखे ना इधर आ गई है ना ये scrolling, ये ऐसे आपकी navigation bar में भी scrolling आ जाती है, अगर आपके contents बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अलग से scrolling आ जाएगी, ठीक है, ये overflow auto ये वाला काम करता है। फिर उसके बाद अगर आपने हॉरिजेंटल बनानी है तो डिस्प्ले इन लाइन, इन लाइन ब्लॉक ओवर और या फिर फ्लोट लेफ्ट यूज कर सकते हैं हॉरिजेंटल के लिए, ठीक है, जो जो भी हमने स्लाइड में यूज किया, ये वो सारा कोड है जो मैंने भी आपको वहां करके भी दिखाया है, ये वही वाला, ये बॉर्डर डिवाइडर का बताया हुआ है कि वहां पे आपने बॉर्डर राइट लगाना है और आखिरी वाले का बॉर्डर नन कर देना है, ठीक है, आखिरी वाले का वो आपको पता है, ये आखिरी वाले का वो आपने कैसे करना है ये स्लाइड्स में मेंशन है, एल आई लास्ट चाइल्ड, ठीक, और उसी तरह से फिक्स आपने करनी है तो आप पोजीशन फिक्स लिख देंगे और टॉप ऊपर टॉप जीरो कर देंगे, तो वो आपकी जो है ना वो यहाँ टॉप बिल्कुल जीरो से कनेक्ट हो जाएगी, और अगर आपने इस तरफ फुल करनी है तो आप उसकी विड्थ 100% कर दें, वो फुल पेज को कवर कर लेगी। अब ड्रॉप डाउन्स क्या होते हैं वो भी उसी के अंदर मैं बना देती हूँ, यहाँ स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया कि ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, लेकिन मैं उधर ही बना देती हूँ ड्रॉप डाउन। ये हमारा कोड था, हम चाहते हैं कि न्यूज़ के नीचे ना ड्रॉप डाउन आए,
इंटरटेनमेंट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज और बाकी भी इस तरह की कुछ और न्यूज। तो उसके लिए आपने पता है क्या करना है, ये एल आई, ये यहाँ मतलब एल आई क्लोज नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आपने जो है ना दोबारा से, मैं यही उठा लेती हूँ, इसके अंदर हमने दोबारा से एक एल आई, इसी एल आई के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट दोबारा बनाई, ठीक हो गया। याद रखिएगा एल आई क्लोज नहीं होना चाहिए, ये क्लोज हो गया आप दोबारा बनाएंगे तो वो इसके अंदर नहीं आएगी। और इसके अंदर हमने लिस्ट आइटम डाले, जैसे हमने यहाँ पे डाल लिया स्पोर्ट्स, ठीक है, फिर दूसरा एक लिस्ट आइटम डाल लिया, फिर एक तीसरा लिस्ट आइटम डाल लिया टेक्नोलॉजी, ये अब देखते हैं ये डिस्प्ले कहाँ दे रही है, ये यहाँ डिस्प्ले दे रही है, एक अस्सलाम वालेकुम। इसको आपने बॉर्डर बॉटम देना है, ये राइट खत्म कर देना, बाय डिफॉल्ट इसको राइट है ना, तो इसको आपने बॉर्डर बॉटम देना है। यहाँ मैं फिलहाल ये खत्म कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे बॉर्डर राइट दिया था ना, मैं सिंपल बॉर्डर रख के ना और वही अपना वाइट इसको वापस ले आऊंगी। आपने अगर बॉर्डर डिफरेंट में रखना है तो आप रख सकते हैं, लेकिन अभी भी ये डिस्प्ले ठीक नहीं आ रहा इसका, ठीक है, डिस्प्ले इसका खराब है। क्या इसका डिस्प्ले खराब है, एक तो ये टॉप, इसके टॉप से ऊपर है, टॉप से ज्यादा ऊपर है, ठीक है, तो हमें इसको टॉप से क्या देनी होगी, थोड़ी सी पैडिंग, ठीक है, टॉप से। अब वो कैसे देंगे हम, इधर यहीं से पिक करते हैं, हैश कॉन्टेन के अंदर है एक यूएल, यूएल के अंदर है एल आई, एल आई के अंदर एक और यूएल है, एल आई के अंदर एक और यूएल है, आप इसे डायरेक्ट आईडी दे के भी पिक कर सकते हैं, यानी इसको नई आईडी दी उससे भी पिक कर लें तब भी ठीक है, उससे चूंकि पहले हमने सीखा हुआ है, ये एक नया तरीका है, उसे हम डायरेक्ट पिक कर लेते हैं ना हर टैग को आईडी दे के, हर टैग को। हालांकि जो प्रोफेशनल वे है वो ये वाला है कि आप जो है ना वो यूज करें, बताएं कि किसके अंदर आपने जाना है, ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, हैश कॉन्टेन के अंदर एक यूएल है, उस यूएल के अंदर एक यूएल है, तब भी ठीक है, ठीक है, उस यूएल के अंदर एक यूएल है, उसको हमने, आप मार्जिन टॉप भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, मार्जिन टॉप वो ये असाइन करते हैं, चेक कर लेते हैं ये फिलहाल डिस्प्ले कहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, आगे अगर ज्यादा लग रहा है आपको तो हम इसको 10 दे देते हैं। अच्छा, किसी की स्क्रीन पे अगर ये ऐसे होता ना अब ठीक हो गया, किसी की स्क्रीन पे अगर ये इधर को होता, मेरा तो फुल नीचे आ गया ना, आपने हाइट और विड्थ जरा और दी होती तो आपकी स्क्रीन पे इधर होता, और आपको इसको न्यूज के नीचे लाने के लिए ना इसके मार्जिन लेफ्ट से माइनस करना पड़ता, और अगर आपका इस तरफ आ गया है आपने इधर लाना है तो आप मार्जिन लेफ्ट में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हैं तो वो इधर को मूव कर जाते हैं, ठीक है, तो ये, लेकिन ये तो मेरा स्टार्ट में ही नजर आ रहा है ना, बिल्कुल स्टार्ट में, मतलब पहले से ही नजर आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि पहले से इसका डिस्प्ले क्या हो, ना हो, इसका डिस्प्ले खत्म हो, ठीक है, तो उसके लिए हम इसी को, इसका डिस्प्ले क्या कर देते हैं, नन। अब स्टार्ट में इसका डिस्प्ले नहीं है, लेकिन माउस हॉवर करने पे आ भी नहीं रहा अब, ठीक है, डिस्प्ले तो खत्म हो गया, अब आ भी नहीं रहा। अब हम चाहते हैं कि जब हम इसका ये इमेज पिक करें, जब हम इनके ऊपर माउस हॉवर करें, यानी डिव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर लिस्ट आइटम है, जब हम लिस्ट आइटम के ऊपर माउस हॉवर करें, अब हम नया ऑपरेटर सीख रहे हैं, ये ऑपरेटर शो करता है चाइल्ड्स को कि डिफ के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एल आई है, एल आई के ऊपर जब माउस ऑवर हो तो एल आई के अंदर एक चाइल्ड है यू एल, एल आई के अंदर एक चाइल्ड है यू एल, ठीक है, उसका डिस्प्ले क्या हो जाए, वापिस आ जाए ना, और वो वर्टिकल है,
तो डिस्प्ले ब्लॉक होगा क्योंकि ये वर्टिकल है, वर्टिकल था। हॉरिजेंटल लाना है तो डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे आप, ठीक, डिस्प्ले ब्लॉक। अब रिफ्रेश किया, इसके अंदर तो देखें कोई यूएल है ही नहीं, ये भी लिस्ट आइटम है, इसके ऊपर माउस ऑवर किया लेकिन इसके अंदर चाइल्ड नहीं है, इसके अंदर भी चाइल्ड नहीं है, इसके अंदर भी स्किन, इसके अंदर चाइल्ड है। जैसे ही माउस ऑवर के डिस्प्ले आए, माउस डिस्प्ले खत्म हो गया, ठीक है। ये ड्रॉप डाउन्स, ठीक। अब आपका टास्क ये है कि आपने इस इंटरटेनमेंट के आगे ना तीन इंटरटेनमेंट और बनाने हैं यहाँ पे, जैसे इंटरटेनमेंट क्लिक करें यहाँ पे तीन और आ जाए, ठीक। वो अब आपका काम है, ठीक, आपने ये काम सीखना है, क्योंकि ऐसे आप करें तब भी आ जाते हैं ड्रॉप डाउन, फिर इधर लेके आए तब भी। और एक मैंने बॉर्डर वाइट रखा है ना, तो मेरा वाइट जो है ना वो स्क्रीन के साथ एडजस्ट कर रहा है, आपने बॉर्डर कलर चेंज करना है, ठीक, ताकि आपको उसकी भी प्रैक्टिस हो, क्योंकि बॉर्डर्स पे काम कराया हुआ है ना मैंने, तो मैं आपको वो नहीं यहाँ पे बता दिया कि आपने अकेला बॉर्डर कैसे लगाना है, फिर उसको एडजस्टमेंट भी करनी है आपने। तो एक आपने बॉर्डर अपना चेंज करना है, ठीक है, बॉर्डर चेंज करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इंटरटेनमेंट के आगे भी बनानी है, ठीक है।